दीपा गुड्डू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम और साथ ही आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो भी मैं कर रही हूँ मंदिर से। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसके बाद आ गए हम शाम को बेकरी में और यहाँ से हमने लेना है केक, क्योंकि हमने केक कट नहीं किया तो हम आज करेंगे। और नए साल का जो हमारा होता है ना कि हम घर पे ये करेंगे वो करेंगे, तो हम आज यहाँ पे आए और बच्चों की मनपसंद चीज़ उनको खिलाएंगे और साथ में काटेंगे केक। कैसा हो रहा अंशिका? बुरा कुछ हो है? नहीं ऐसे काटना। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू टिक वन मोर, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे खिला दो, मुझे मम्मी, मुझे मुझे मम्मी, मुझे 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 हैप्पी न्यू ईयर। मुझे बड़ी बात दे दो तुम। हैप्पी न्यू ईयर त्याग दी छोटे को मैं भांग दूँ। ओह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जाओ ताऊ जी तक खिलाया तुम, जाओ ताऊ जी तक खिलाया हो तुम, जाओ ताऊ जी तो ना बोल मैं बल में आलो तो उन गैस बन जाऊँ। अरे जरा सी बिता, जरा उन हाथ उन जरा जरा हित का जाओ। मैंने खा लेता। हाँ वाह। इना जी बिना गानों का भी डांस कह सकती पर बड़ी बात है दीदी, खुश रहो। पिता मेरी छोकरी संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। अभी बज रहे हैं सुबह के मतलब दिन के 12 और जेठ जी बनाने लग गए हैं साग, तो आज जेठ जी का बनाया हुआ ही खाएंगे हम। और आखिरकार दोपहर की मेहनत ये है, जेठ जी ने साग बनाया है और शायद वो पीसना भूल गए, लेकिन टेस्ट कैसा आता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। जेठ जी की दोपहर 12 बजे से ये मेहनत चल रही है। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, जय श्री राम।